सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि FST 1 की MCQ सीरीज की वीडियो इस चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी ये पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे इकाई 9 और इकाई 10 के MCQ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। जैसा कि आपको पता है कि हम बुक से छांट कर MCQ बना करके एक वन लाइनर्स के रूप में ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है और एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दिसंबर 2019 से जो FST 1 और BSHF 101 के एग्ज़ाम्स हैं वो MCQ के रूप में होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है इकाई 9, ब्रह्मांड का स्वरूप। इस चैप्टर के अंदर हम जो देखेंगे उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्राचीन भूकेंद्रीय ब्रह्मांड, कॉपरनिकस की क्रांति, सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड का निराकरण। अगला टॉपिक है भौतिक ब्रह्मांड, अंतरिक्ष दूरियां, सौर मंडल, निशाकाश, आकाशगंगा मंदाकिनी, आकाशगंगा मंदाकिनी से परे। तो इन सब टॉपिक्स को हम देखेंगे इकाई 9 में ब्रह्मांड का स्वरूप चैप्टर में। इसके अलावा हम एक और चैप्टर को देखेंगे जो कि है इकाई 10, ब्रह्मांड की खोज। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो देखेंगे वो टॉपिक्स हैं ब्रह्मांड का अन्वेषण, दृश्य एवं अदृश्य विकिरण, तारकीय प्रकाश की खोज, रेडियो तरंगों द्वारा तारों का अध्ययन, आकाश से आने वाले संदेश, अंतरिक्षीय अभियान, और अगला टॉपिक है इस चैप्टर में ब्रह्मांड को समझना। तो आइए तारों के बारे में समझें, तारों का जीवन चक्र, फैलता हुआ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इन सब टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, इससे रिलेटेड सारे MCQs को हम देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का स्वरूप और ब्रह्मांड की खोज चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने सोचा कि पृथ्वी गोल है? पहले माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले दार्शनिक थे एक थेल्स, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है, वो लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉलमी द्वारा मॉडल दिया गया मॉडल का नाम बताएं। टॉलमी जो ने जो पृथ्वी का मॉडल दिया था वो मॉडल का नाम क्या है? तो उस मॉडल का जो नाम है वो भूकेंद्रीय ब्रह्मांड, उस मॉडल का नाम है भूकेंद्रीय ब्रह्मांड। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कॉपरनिकस द्वारा दिया गया मॉडल का क्या नाम है? तो अभी हमने देखा कि टॉलमी द्वारा दिया गया मॉडल, तो अब हम देखेंगे कॉपरनिकस द्वारा दिया गया मॉडल। तो इस मॉडल का जो नाम है वो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो इस मॉडल को हम लोग कॉपरनिकस का मॉडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की कक्षाओं का आकार क्या है? तो ग्रहों की कक्षाओं का जो आकार होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है, अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी में मौजूद गैस और धूल के चमकते बादल को क्या कहते हैं? मंदाकिनी में जो मौजूद गैस होते हैं और धूलकण होते हैं जो बादल की तरह दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नेब्यूला, निहारिका, निहारिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी किससे मिलकर बनी है? तो मंदाकिनी जैसा अभी हमने देखा कि गैस और धूल के बादलों से मिलकर बनी है और उसमें करोड़ों सितारों का समूह है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है उस दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये प्रकाश वर्ष जो है वो किस चीज का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर, इतनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है।
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसमें उसे कितना समय लगता है? तो उसमें जो समय लगता है उसे 27.33 दिनों का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अभी तक ज्ञात तारामंडलों की संख्या जो है वो 88 है, 88। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र में से कितनी दूरी पर स्थित है? आकाश गंगा है, उसके केंद्र से जो हमारा सूर्य है वो कितनी दूरी पर है? तो आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार की मंदाकिनियां होती हैं? तो तीन तरह की मंदाकिनियां होती हैं, कुंडलित मंदाकिनी, दीर्घवृत्ताकार मंदाकिनी, असमाकृतिक मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, मेरा अपना संदेह है कि ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही अद्भुत नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि जितना हम सोच रहे हैं यह उससे कहीं अधिक अद्भुत है। यह जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वैज्ञानिक हॉल्डेन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जेबीएस हॉल्डेन ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक थे। ये कौन थे हॉल्डेन? अभी हमने देखा कि वैज्ञानिक हॉल्डेन ने ये कथन दिया था, तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के थे, जो बाद में भारतीय वैज्ञानिक बन गए थे। अगला प्रश्न है, अदृश्य विकिरणों के उदाहरण कौन कौन से? तो अदृश्य विकिरण जो है उनके उदाहरण वो कौन कौन से हैं? तो इंफ्रारेड रेज जो होते हैं वो होते हैं अदृश्य विकिरण, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, और एक्स रेज होते हैं, और गामा रेज होते हैं। और गामा रेज का जो इलाज होता है कैंसर के रोग में, गामा रेज का इलाज किया प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दो क्रमिक श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो क्रमिक श्रृंग यानी क्रेस्ट और गर्त यानी ट्रॉ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य का डेफिनेशन है ये, तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड और आकाशगंगा से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं, मैंने आई बटन में ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा 50 से ज़्यादा MCQs उसमें कवर किए गए हैं, वो वीडियो को भी आप जरूर देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है वो मीटर है। अभी हमने देखा तरंग दैर्ध्य का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, अब उसका मात्रक पूछा जा सकता है। तो मात्रक उस तरंग दैर्ध्य का होता है मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों को क्या कहते हैं? सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों को हम गामा किरणें कहते हैं। गामा किरणें जो होती हैं वो सबसे छोटे तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगों को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसे लो फ्रीक्वेंसी वेव्स की हद कहते हैं, और उसे किलोमीटर तरंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग की आवृत्ति कितनी है? तो बैगनी जो रंग होती है सूर्य के प्रकाश में, बैगनी का कलर होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? और इसी में हो सकता है कि उसकी तरंग दैर्ध्य कितना होता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है और तरंग दैर्ध्य भी पूछा सकता है। इसी के साथ साथ लाल रंग की भी फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है और तरंग दैर्ध्य भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ कवर किया गया है। तो इसमें पहले तरंग दैर्ध्य को देखते हैं हम, तो इसमें जो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य है वो 4×10⁻⁷ मीटर है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है वो 8×10⁻⁷ मीटर है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, वो बैगनी रंग की फ्रीक्वेंसी है 7.5×10⁻¹⁴ हर्ट्ज, और लाल रंग की फ्रीक्वेंसी है वो 3×10⁻¹⁴ हर्ट्ज। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएंगी वो विजिबल रेज यानी कि दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई दूरस्थ पिंड जैसे कि मंदाकिनी, क्वासर आदि दूर जाते हैं तो उनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस ओर स्थानांतरित होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें कैसे पता चलता है कि अंतरिक्ष के जो पिंड है वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो वो पता लगाया जाता है लाल छोर की ओर जो
रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं हैं वो लाल छोर की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं जब वो दूर जा रही होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी तारे का जन्म कहाँ होता है? तो तारे का जन्म जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के बादलों से होता है। हाइड्रोजन गैस के बादलों में तारों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, पल्सर तारे की खोज कब हुई? पल्सर एक तारा है, तारों का समूह है, जिसकी खोज हुई थी 1967 ईस्वी में, पल्सर तारों की खोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारे की अवस्थाओं का सही क्रम लिखें। तारे कैसे कैसे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं और बढ़ते हैं, तो उसका जो अवस्थाएं हैं उनका क्रम लिखना है। तो उनका क्रम है, सबसे पहले गैसीय बादल, फिर आदि तारा, फिर स्थिर तारा। ये इनका क्रम है, गैसीय बादल, आदि तारा, स्थिर तारा। अगला प्रश्न है, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों में जो ऊर्जा होती है उसका जो स्रोत है वो कोर में हाइड्रोजन नाभिक आपस में संगलित होकर हीलियम नाभिक बनाना। तारों के जो कोर हैं उसमें जो हाइड्रोजन नाभिक होते हैं वो आपस में संयलित होकर के भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, वही उसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक तरह से ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के आकार, उद्भव और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि ये एक साइंस है, तो इस साइंस को हम कहते क्या है? तो ब्रह्मांड के आकार, उद्भव और विकास के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, खगोलिकी हिंदी में कहें तो। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत से सिद्धांत थ्योरीज दिए गए हैं, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत। तो क्वेश्चन उठता है कि बिग बैंग के 5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ? तो बिग बैंग के 5 अरब वर्ष बाद तारों और मंदाकिनियों का जन्म हुआ। तो इस तरह से ब्रह्मांड से रिलेटेड एमसीक्यू वन लाइनर्स क्वेश्चन थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स की भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। इसके साथ साथ BSHF 101 की भी प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी गई है, और इंग्लिश के वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए